कुलकर्णी जी इस गेट के सामने खड़ी रहती हैं और सलमान खान सर शायद इस जगह पे खड़े होकर उधर की साइड देखते हैं, तो इस ममता कुलकर्णी जी इधर से आती रहती हैं। अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर। दोस्तों समय है 11:24। तो फाइनली गाइज अभी हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये है जयपुर रेलवे स्टेशन और अभी बज रहा है रात के 11:30। तो चलिए बैक कैमरे से आपको जयपुर रेलवे स्टेशन का रात का नज़ारा दिखाते हैं और इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यह है जयपुर रेलवे स्टेशन का नाइट लुक देख सकते हैं आप, और ये सामने लिखा हुआ है जयपुर जंक्शन, और इधर देखेंगे तो बहुत ही बड़ी एक घड़ी लगी हुई है ये देख सकते हैं, और एक ये तिरंगा लगा हुआ है आप देख सकते हैं, लहरा रहा है बहुत अच्छे से, जय हिंद। और ये है चारों तरफ का नज़ारा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अभी यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अभी किले के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे एक गाना आया था जो करण अर्जुन फिल्म के अंदर आपने देखा ही होगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, क्या है कि एकदम टूटा फूटा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि असल में कहा जाता है ना किसी वक्त यहाँ पे जो मार्केट था मार्केट पूरा लगता था, और ये किला ना काफ़ी बड़ा है। अब अगर अंदर अभी हम चल रहे हैं ना, आपको पूरा किला पहले अच्छे से दिखाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पर। अभी हमने जानकारी नहीं ली है, अगर कोई यहाँ का स्थानीय मिलेगा तो उससे जानकारी लेंगे, लेकिन अगर आपको बता दें करण अर्जुन के अंदर जो दो गाने होते हैं ना, एक ये बंधन तो प्यार का बंधन है और दूसरा कौन सा होता है, एक मुंडा मेरी उम्र दा, वो भी गाना इसी किले के अंदर काफी सारे शॉट लिए गए हैं गाने के। तो दोस्तों अभी वहां से चलने के बाद जो सीन आपने देखा था, इस रास्ते से अभी हम आए हैं और काफी तेज धूप है, अभी 11:00 है। तो अभी आगे जैसे ही पहुंचे हैं तो ये मुख्य द्वार है किले का, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर जो मंदिर है वहीं पे सारे के सारे सीन लिए गए हैं गाने के। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं ना, आप देख सकते हैं ये एक बरगद का पेड़ है, जो कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बरगद उसमें बन गए हैं, तकरीबन ये 1000-2000 साल पुराना बरगद है, बहुत ही पुराना बरगद है। आप देख सकते हैं एक बरगद से इसमें कितने सारे बरगद बने हैं, चारों तरफ आप देखेंगे बरगद ही बरगद आपको दिखाई देंगे, और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली जो रियल बरगद है वो कौन सा है। तो अभी चलते हैं गेट के अंदर और आगे का क्या सीन होता है वो दिखाते हैं आपको। करण अर्जुन फिल्म के अंदर जिसके बोल कुछ इस प्रकार है, एक मुंडा मेरी उम्र दा, उसके भी काफ़ी सारे सीन इसी किले के अंदर लिए गए हैं, और बेसिकली वो सीन उस जगह के हैं जो वो बावड़ी आप देख रहे हैं ना सामने, उसके अंदर लिए गए हैं। तो अभी चलते हैं उस गाने के भी जितने भी सीन लिए गए हैं इसके अंदर वो भी दिखाते हैं आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आगे। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। चलिए बैक कैमरे पे दिखाते हैं यहाँ। तो दोस्तों काफ़ी देर गाना चलने के बाद फिर उसके बाद में इस किले के सीन आते हैं, जिसमें आप सामने वो गेट देख रहे हैं ना, वहाँ पे ममता कुलकर्णी जी डांस करती रहती है और सलमान खान जी यहाँ पे खड़े रहते हैं जो ममता कुलकर्णी को देखते रहते हैं, कुछ इस प्रकार का सीन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेतावनी लिखी हुई है, इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, आप वीडियो को पुश करके पूरा अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जो सीन रहता है वो इसी जगह का रहता है जहाँ पे ममता कुलकर्णी जी इस गेट के सामने खड़ी रहती हैं और सलमान खान सर शायद इस जगह पे खड़े होकर उधर की साइड देखते हैं, तो इसी जगह का सीन होता है प्रॉपर, आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं इस कुंड के अंदर भाई साहब बहुत सारे बंदर जो है ना स्नान कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, वो उधर भी देख सकते हैं, पूरे के पूरे सब मज़े से एकदम स्नान कर रहे हैं। तो अभी हम ऊपर चलने वाले हैं, जो ये सामने मंदिर आप देख रहे हैं ना, इस मंदिर के ऊपर चलने वाले हैं, और यहाँ से थोड़ा तो दोस्तों चलते हैं अभी मंदिर के और देखते हैं किन देवता का ये मंदिर है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सोमेश्वर मंदिर देख सकते हैं, और अगर अंदर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। और चलते हैं अभी आपको जो गाने के सीन है वो दिखाते हैं, और असल में वो सीन जो है ना इस रास्ते के ले गए थे, जो ये रास्ता देख रहे हैं ना आप, ये गेट है,
इधर ही वो सीन लिए गए थे, एक मुंडा मेरी उम्र दा जो सॉन्ग रहता है करण अर्जुन फिल्म के अंदर, उसके सारे सीन जो होते पहले एक पहाड़ पे लिए जाते हैं जहाँ पे सीताराम लिखा रहता है, उसके बाद के जो सीन है वो हम दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर। तो अभी चलते हैं आगे और आगे से दिखाते हैं आपको। दोस्तों गाने के अंदर एक सीन इधर से फिल्माया जाता है जहाँ पर आप ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ देख सकते हैं। अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं, जो ये पेड़ की डाल एक इधर गई है और ये वाली डाल इधर गई है। क्या है बेसिकली, इन डालों में अभी पत्ते बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन जब गाना शूट हुआ था तब इन डालों में पत्ते नहीं थे। तो स्क्रीनशॉट में आप प्रॉपर अच्छे से मैच कर सकते हैं, जो ये रास्ता है ये वही रास्ता है जहाँ पे सलमान खान और ममता कुलकर्णी जी डांस करती रहती हैं। तो ये वही रास्ता है, आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं। और काफ़ी सारे सीन जो हैं झाड़ के लिए गए हैं, वहाँ भी चलते हैं, आप अच्छे से मैच कर लेना। ये डाल वही डाल है, आप देख सकते हैं। और इधर आप देखेंगे तो ये टूटा फूटा है घर बना हुआ है। और इधर अपन लोग चलते हैं अभी, क्या है जहाँ पर एक झील छोटी सी होती है ना, वहाँ पर भी सलमान खान और ममता कुलकर्णी जी डांस करती रहती है ना, वो भी इस झील का नज़ारा है। जो ये सामने आप झील देख रहे हैं ना, छोटी सी पानी जैसा भरा हुआ है तालाब छोटा सा, इसी जगह के सीन रहते हैं, वो हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाते हैं। क्या होता है कि एक तरफ से सलमान खान आते हैं और दूसरी तरफ से ममता कुलकर्णी जी आती हैं, तो इसी झील का सीन रहता है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अरे करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ कहाँ पे? मंदिर। और यहाँ पे, यहाँ पर भी तो हुई थी जहाँ पे ये पानी भरा है, शायद यहाँ पे गाना वाना शूट हुआ है कुछ। हाँ। कौन सा सीन लिया गया आपने देखा? करण अर्जुन की मूवी बनी थी ना। करण अर्जुन की बनी थी, वो प्यार बंधन का गाना गाती है। हाँ हाँ, वो बंधन तो प्यार का बंधन है। कौन सा मंदिर दिखाया जाता है उसमें? ये मंदिर है गोपीनाथ जी, गोपीनाथ का मंदिर। आप यहीं रहते हैं? घाट पर काम करते। अच्छा अच्छा, ये दादाजी बता रहे हैं, कह रहे हैं गोपीनाथ के मंदिर पे शूट हुआ था। चलिए ठीक है। दोस्तों गाने का सीन इधर से लिया जाता है जहाँ पे सलमान खान सर इधर से आते रहते हैं और ममता कुलकर्णी जी इधर से आती रहती हैं। अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख सकते हैं, जो ये झील है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर है ना, वो आप स्क्रीनशॉट में मैच करके देख सकते हैं। और बेसिकली ये गली आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है एकदम छोटी सी गली थी उस टाइम, लेकिन अभी क्या है थोड़ी बड़ी कर दी गई, लेकिन सीन जो होता है प्रॉपर इसी जगह का होता है। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट में प्रॉपर अच्छे से मैच करके देख चुके होंगे। और अभी आगे चलते हैं और आगे के जो झाड़ वाले सीन है वो हम आपको दिखाते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो दोस्तों गाने का जो लास्ट सीन है वो इस झाड़ से लिया गया है, अभी आप आइए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको। तो जो ममता कुलकर्णी और सलमान खान जी होते हैं ना, इसी जगह पर डांस करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है एक रास्ता जैसी बनाई जाती है, लेकिन अभी क्या आप देख रहे हैं ना, ये सब झाड़ जो देख रहे हैं ये सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत पहले ये गाना शूट हुआ था। क्या होता है ना, अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है और आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं इसी जगह के सारे सीन होते हैं। यहाँ पे कम से कम 2-3 सीन लिए जाते हैं अलग अलग कैमरा एंगल करके। क्या होता है एक बार ममता कुलकर्णी जी इन्हीं पेड़ों के ऊपर थोड़ा ऐसे लेटी होती हैं और सलमान खान सर पीछे खड़े होते हैं, तो सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं प्रॉपर इसी जगह का सीन रहता है गाने के अंदर। और यहाँ पे आप देखेंगे ना तो शायद यहाँ कोई मंदिर जैसा लग रहा है कुछ। और तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं चला था तकरीबन सुबह अपने घर से कल, तब ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर पाया है। दूसरे दिन यानी कि समथिंग वही 26 से 27 घंटे में एक वीडियो को कंप्लीट किया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा अपना प्यार भरा यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।